आज हम बीए भाग द्वितीय पीजेंट सोसाइटी के अंतर्गत भारत में सामाजिक वर्ग की चर्चा करेंगे। कृषक वर्ग में संरचना, कृषक में समाज के अंतर्गत वर्ग संरचना किस प्रकार की है। हम सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 60-65% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर ही निर्भर है। कृषि इनके उपभोग व जीवन यापन का एक साधन है, न कि बाजार में वस्तु बेचने का। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत जो कृषि समाज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंतर्गत कृषि बाजारीकरण की तरफ उन्मुख हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में ही अपना कार्य निर्धारित करती है, रोजगार साधन ढूंढती है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। तो कृषक समाज में एक वर्ग संरचना को जन्म देते हैं, इसलिए कृषक समाज की संरचना को समझना अति आवश्यक है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स और विट फोगेल ने कहा कि ब्रिटिश आगमन यानी 16वीं शताब्दी से पहले की जो भारतीय समाज था, कृषक समाज था, वहाँ वर्ग व्यवस्था नहीं थी। यानी मार्क्स जो हैं, मार्क्स और विट फोगेल ने ये कहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय समाज, कृषक समाज में या भारतीय ग्रामीण समाज में वर्ग व्यवस्था नहीं थी, समरूप समुदाय था ये। योगेंद्र सिंह ने भी इस संबंध में अपने अध्ययन के दौरान यह कहा है कि भारत एक जाति आधारित समाज था, न कि वर्ग आधारित। वर्ग और जाति दोनों में अंतर बताया गया है समाजशास्त्र में के अंतर्गत, कि जाति एक बंद वर्ग है, इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, जबकि वर्ग एक खुला वर्ग है, खुला संगठन है, जिसके अंतर्गत स्वच्छंदता अपेक्षाकृत जाति के अधिक होती है। जाति में प्रतिबंध अधिक होते हैं, स्वतंत्रता अपेक्षाकृत कम होती है। तो हम इस संबंध में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, या आप पहले पूर्व में पढ़ चुके होंगे जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था के बारे में। आज हम सिर्फ कृषक वर्ग संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। लुई ड्यूमोंट, जी एस गुरिये आदि ने भी भारतीय कृषक समाज में वर्ग व्यवस्था के अभाव को ही माना, यानी कि वर्ग व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर विभिन्न विचारक जो हैं, समाजशास्त्री हैं, जैसे कार्ल मार्क्स, विट फोगेल, योगेंद्र सिंह, लुई ड्यूमोंट, जी एस गुरिये, इन सभी ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये कहा है कि भारतीय कृषक समाज के अंतर्गत वर्ग व्यवस्था नहीं थी। वर्ग व्यवस्था का जन्म जो हुआ है ब्रिटिश शासन के बाद हुआ है। ब्रिटिश शासन के साथ ही भारत में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुके हैं। एक कर व्यवस्था को निश्चित संधारण करके जमीन पर मालिकाना हक कृषक या कृषक समुदाय का निर्धारित किया जाता है रैयतवाड़ी, महालवाड़ी या जमींदारी के अंतर्गत। तो ये प्रथाएँ जो थी ब्रिटिश शासन के दौरान, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन व्यवस्था के दौरान या उसके बाद शुरू हुई थी भारतीय समाज में। तो इन प्रथाओं के कारण पहली बार कृषक समाज में दो आर्थिक वर्ग बन के उभरे थे। अब दो आर्थिक वर्ग कौन से थे? एक था जमींदार वर्ग, एक कृषक समुदाय, अल्पसंख्यक यानी संख्या में कम, डायरेक्ट कृषि नहीं करने वाला, कृषि भूमि से जुड़ाव नहीं था उसका, लेकिन वो मालिक था और बड़े भूभाग पर उसका स्वामित्व था। और दूसरा जो था रैयत या किराएदार, जो जमींदार द्वारा दी गई भूमि पर कर देकर या बटाईदारी से अपना जीवन यापन करते थे। यानी निश्चित फसल के एवज में निश्चित कर या जमीन के एवज में निश्चित कर निर्धारित कर दिया जाता था, और उस कर को जो नहीं चुका पाता था उसके भूमि उससे छीन ली जाती थी, वो जमींदार के हिस्से में आती थी। तो ये प्रारंभिक व्यवस्था थी। धीरे धीरे जब औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, व्यवसाय, शिक्षा और बाजारों का विकास हुआ, तो धीरे धीरे ग्रामीण वर्ग संरचना का जो प्रारंभिक स्वरूप था, प्राचीन पारंपरिक स्वरूप था, वो बदलने लगा। और इसी वजह से कृषकों का वर्ग कृषक संरचना में धीरे धीरे उभरने लगा। इस संदर्भ में कृषि भारतीय कृषक समाज का अध्ययन करने वाले डेनियल थॉर्नर एक समाजशास्त्री थे। इन्होंने कुंभापेट्टी, तमिलनाडु का एक ग्राम है, वहाँ का अध्ययन किया था अपने शोध के दौरान। इन्होंने कहा कि कृषक समाज को इन्होंने तीन वर्गों में विभाजित किया, मालिक, किसान और मजदूर वर्ग। यानी मालिक वर्ग जो भूमि का मालिक है, स्वामित्व है, जिसके हाथ में स्वामित्व व्यवस्था है। किसान वह
जो छोटे छोटे भूजोतों का मालिक होता है और खेती करता है, और मजदूर वह है जो भूमि का मालिक तो नहीं होता लेकिन उस पर लेबर या पारिश्रमिक के आधार पर काम करता है। तो मालिक, किसान और मजदूर वर्ग के बारे में विभाजित किया था इन्होंने कृषक समाज को। आंद्रे बेटिल ये भारतीय समाजशास्त्री थे। इन्होंने तमिलनाडु के तंजौर ग्राम के श्रीपुरम, तंजौर प्रांत के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। मैसूर में तीन आर्थिक वर्गों की इन्होंने पहचान की थी कि भूस्वामी, कृषक और कृषि श्रमिक। भूस्वामी नाम से स्पष्ट है, कृषक, किसान और कृषि श्रमिक। डेविड हार्डीमन, इन्होंने गुजरात के पाटीदार समुदाय का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर कृषक समाज में वर्ग व्यवस्था का निर्धारण किया। इन्होंने भी कृषक समाज को तीन भागों में बांटा था, बड़े किसान, मध्यम किसान और दरिद्र किसान। इन्होंने कृषक विवाद को भूमि की पैमाइश के आधार पर कृषक समाज का विभाजन किया था। बड़े किसानों में 15 एकड़ उससे ऊपर की ज़मीन का मालिकाना हक वाले किसान बड़े किसान, 3 से 15 एकड़ वाले मध्यम किसान और 3 एकड़ से नीचे वाले दरिद्र किसान की श्रेणी में रखे। इसी संदर्भ में क्रम में आगे चलकर अशोक, रुद्र और चंद्र आज भी भारतीय कृषक समाज में दो ही वर्गों को मूलतः मानते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में भूस्वामी, बड़े किसान, जोतदार आदि लोग आते हैं और निम्न वर्ग भूमिहीन श्रमिक, सीमांत कृषक, बटाईदार, पशुपालक समाज और कृषि कार्य से जुड़े विविध व्यवसायी वर्ग। हमजा अलवी, कोटोवस्की आदि ने भी भारतीय कृषक समाज में त्रिवर्ग संरचना की ही अंत में चर्चा की, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि कृषक वर्ग संरचना में विविधता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शोध के आधार पर कृषक वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया और उसको विभाजित भी किया। फिर धीरे धीरे भारतीय समाज में भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुए, कृषि का विकास होने लगा, बाजारीकरण होने लगा, नगदी कृषि का प्रचलन बढ़ा, तो पूरे भारत में जो कृषक समाज का स्वरूप था उसमें समरूपता नहीं थी। धीरे धीरे भिन्नता आने लगी और ये भिन्नता मुखरित भी होने लगी, इसलिए वर्ग संरचना भी भिन्न भिन्न स्वरूप में निकल कर सामने आई। जैसे बंगाल, यहाँ बंगाल का एक उदाहरण है, बंगाल व केरल में प्रभावशाली भूमि सुधार हुआ था। वहाँ उच्च वर्ग जो अकृषक था, अल्पसंख्यक था, यानी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता था लेकिन भूमि का मालिक था, वहाँ पर उस वर्ग का अभाव है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े जो क्षेत्र थे, यहाँ भूमि सुधार कार्यक्रम थोड़े कम मात्रा में लागू हो पाए थे, थोड़ी परेशानियाँ थी प्रारंभिक। तो यहाँ पर जो था भूमि सुधार कार्यक्रम जो सही से लागू नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय समाज में कृषक समुदाय जो है वो समरूप समुदाय नहीं है, यानी एक क्षेत्र के शोध के आधार पर जो विभाजन है वो संपूर्ण भारतीय कृषक समाज पर लागू नहीं किया जा सकता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने आधार पर कृषक समुदाय को विभाजित किया और अंत में कृषक समाज की त्रिवर्ग संरचना पर एकीकृत हुए सभी, मूल रूप से कि बड़े, मध्यम और छोटे किसान, या फिर भूस्वामी, कृषक और श्रमिक वर्ग। तो ये तीनों वर्ग जो हैं किसी भी भारतीय समाज में ग्रामीण समाज के अंतर्गत जहाँ कृषि होती है वहाँ पर हम तीनों वर्गों को देख सकते हैं। बड़े भूस्वामी, बड़े भूमि क्षेत्र के मालिक, कृषक वर्ग छोटे भू क्षेत्र के मालिक या बटाईदार पर खेती करने वाले लोग, और श्रमिक जो केवल पारिश्रमिक या मजदूरी के आधार पर या अन्य पशुपालन या फिर अन्य कृषि संबंधी कार्य करते हैं। इस तरीके से कृषक समाज तीन वर्गों में विभाजित माना जाता है।